तो हम लोग पब्लिक लोग भी समझता है कि ये पॉलिटिकल होने से हम सपोर्ट नहीं, अरे यार पॉलिटिकल हो भी अगर नॉन पॉलिटिकल भी हो, जो मुद्दा उठा रहा है पब्लिक के लिए ही सही हो, तब जाके लोग सपोर्ट करना है। हम तो क्लियरली अभी प्रेस क्लब में भी हम कहा है, अगर पॉलिटिकल मुद्दा होने से भी जब पब्लिक के लिए बेनिफिट होता है तो हम एज ए ताऊपोल उतरेगा, क्यों नहीं उतरेगा। इसलिए हमारा पब्लिक को भी ये अनप शनप बात नहीं करके, जो कल को हो पॉलिटिकल करो या ना करो, लेकिन आज स्टिल डेट वो तो सही काम कर रहे हैं ना, उसको हम लोग सपोर्ट करने का जगह में उल्टा पुल्टा ये बहुत औरत लोग भी क्या क्या, एक दो औरत जो मैंने मीडिया में देखा है, ये लोग अरुणाचल के कभी काफ़ी एक मिनट के लिए भी सोचता है। मेरा नाम है ताऊपोल, मैं प्रो देव मोमेंट अरुणाचल प्रदेश का मैं एक अध्यक्ष हूँ। सर आज आप क्या इशू को लेके यहाँ पे इंटरव्यू देने आए? जी मैं आज प्रेस क्लब में इस इशू को लेकर आया है कि हम AAC यानी कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन लीडरशिप ऑफ मिस्टर तामे तुबिन एंड चेयरपर्सन तोको शीतल, तो उसको हम समर्थन देने के लिए आज हम यहाँ में प्रेस क्लब में आया था कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेकर हमें बहुत चिंतित है और बहुत दुखी भी है आज का डेट में, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार होगा कि 2000 किलोमीटर ज़्यादा यहाँ राजधानी की ओर दिल्ली की ओर ये लोग पद यात्रा किया है। इसमें कोई भी आज का डेट में इतिहास में कोई ऐसा नहीं हुआ है, तो ये बहुत दुखद वाला बात है। इसलिए हम प्रो देव ने ये निर्णय लिया कि हम भी दिल्ली जाएंगे कि इसमें हम अपना जो बातें हैं जो उन लोग ने हाइड्रोपावर पावर इश्यू को एक पॉइंट को लेकर गया है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट सिर्फ है, इसे और हम लोग पॉइंट को हम लोग एडॉप्शन करने के लिए उन लोग को हम सबूत को लेके जाएंगे और हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और जो अदरवाइज ये जो बातें हैं कि जैसे कि अखिलेश प्रताप सिंह जैसे को है, क्यों हमको पहले निकलना चाहता कि अखिलेश प्रताप सिंह को कल लेकर रैली भी है, तो सब काफ़ी कल भी पार्टिसिपेट करने से अच्छा है। ये सर ये आपने अभी अभी बोला है कि आप सपोर्ट समर्थन में है, इन सपोर्ट ऑफ AAC के सपोर्ट में है, तो उसमें आपने एक चीज़ को कनेक्ट किया है आपका जो प्रो डैम मूवमेंट है उससे, हाइड्रो पावर में जो करप्शन चला हो रहा है उसका अगेंस्ट में, तो वो चीज़ का करप्शन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए। जी हाँ, ये करप्शन आप लोग को पहले भी मैंने बहुत बार काफ़ी मीडिया में भी आते रहा है कि ये हाइड्रो पावर करप्शन जो है, उन लोग जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो जितना जो करप्शन लिया है उससे दो गुना ज़्यादा हाइड्रो पावर में करप्शन है, उसका सबूत प्रो देव का पास में अवेलेबल है। फिर सेम लाइन ना? नहीं सर, अब वो जस्ट हाइड्रो पावर का जो स्कीम्स वगैरह है ना, उसमें क्या कौन सा स्कीम था, उसमें कितना का घोटाला हुआ है, और आप लोग ने जो RTI किया है उसमें क्या क्या आपको मिला ना? जी ये अच्छा, बिल्कुल अच्छा सवाल है भाई जी। ये जो हाइड्रो पावर जो स्कीम है ये कहीं, ये जो कहीं में भी स्कीम नहीं है, बल्कि सिर्फ ये जो MOU करने में उन लोग का स्कीम है। जैसे कि हाइड्रो पावर में जब MOU साइन करता है तो बहुत नाना प्रकार का नॉर्म्स है, बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन का, और जितना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर उसका बाद में माइनिंग और पोल्यूशन और लैंड का काफ़ी सारा NOC लेने के बाद और पंचायती राज का मीटिंग बिताने का बाद में आए, तो साथ में गाँव बुरा का सिग्नेचर का कंसेंट जो इफेक्टिव पीपल जो डैम बनने जा रहा है उस लोग को पूछ के ये जो MOU जो है साइन किया जाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल ये लोग सरकार लोग पालन नहीं करके नेगलीफाई किया गया है, तो उसका ये लोग जो है बल्कि सिर्फ प्राइवेट पार्टी को देकर जो अपना निजी कंपनी को बढ़ाने के लिए ये लोग सिर्फ पैसा 1000 करोड़ पैसा लिया गया है। जैसे कि मान लो एक प्रोजेक्ट को उन लोग 257 करोड़ देने वाला भी है, जैसे कि बड़ा बड़ा जो कंपनी है, जनरल हो गया, सोमा हो गया, रिलायंस कंपनी आप लोग पता ही है, वो तो अंबानी का है, वो भी हमारा स्टेट में प्रोजेक्ट लेके रखे, आज का डेट में वो पूरा काफ़ी गायब हो गया। तो ये कहीं ना कहीं से उन लोग ने कि अरुणाचल को ख़त्म करने के लिए कोशिश किया गया है कि अभी सुनने में आया है। फिर ये लोग सरकार जो है पेमा खांडू जैसे ही सरकार आते ही कि एक दो प्रोजेक्ट को टर्मिनेशन किया है, तो अभी उल्टा कंपनी लोग उल्टा स्टेट सरकार को केस देके रखा है। वो बहुत दुखी का बात है आप लोग आम जनता लोग, इसलिए ध्यान से सुनेगा, ये बहुत दुख वाला बात है। आज हमारा स्टेट सरकार को उल्टा कंपनी जो केस देके रखा, 5 कंपनी जो अभी केस देके रखा स्टेट सरकार का। कंपनी का नाम बता? कंपनी का नाम ये बिलवारा है, और 2-3 पॉइंट है, उसको हम आप लोग को बाद में दिया जाएगा कि इसमें हम दिल्ली में ऑलरेडी बात करेगा, तो इसमें 5 कंपनी जो है स्टेट को अभी दे रहा है, और 33 में से जो और भी कंपनी जो है अभी रेडी कर रहा होगा केस देने के लिए, क्योंकि उन लोग अपफ्रंट मनी को लेकर, तो कंपनी बोलता है कि उन लोग को क्लियरेंस नहीं दिया गया है, बोलता है
फिर स्टेट सरकार का जो चीज़ को लेकर हम लोग हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट में जाके पूछता है तो बोलता है कि कंपनी लोग काम नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं से हम तो क्लियरली बोलता है कि मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है हाइड्रो पावर में। इसमें एक जो है आपका चीफ इंजीनियर जो आर के जोशी है, तो स्कूल बिल्कुल अरुणाचल में काम करना नहीं चाहता है, लेकिन नाम में है वो चीफ इंजीनियर है। उसका बाद हाइड्रो पावर कमिश्नर में भी आपका लोखंडे है, वो भी नॉन ट्रेवल है। कहीं ना कहीं से वो अरुणाचल को डिप्राइव करना चाहता है। क्यों उन लोग 142 MOU बना के आज का डेट में यहाँ अरुणाचल का धरती में क्यों उन लोग एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया? ये अरुणाचल के लिए बहुत दुख वाला बात है और बहुत काफ़ी लोग को ये अनएम्प्लॉयमेंट करके रखा। अगर वो प्रोजेक्ट बनता तो काफ़ी लोग को पैदा होता। वो प्रोजेक्ट जो किस प्रकार का प्रोजेक्ट है? हाइड्रो पावर में डैम बनाना है बोल के सरकार जो ऑलरेडी MOU दिया है, तो इसमें बिल्कुल सिस्टम को पालन नहीं किया, बल्कि सिर्फ अप्रोन मनी लेने के लिए उन लोग जो पार मेगावाट को 6 लाख करके फिक्स करके रखा है, वो 6 लाख भी हमारा पास में उन लोग जो जैसे सिस्टम पैसा जो उन लोग जो बना के रखा है, तो उसका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स है, हम अभी आपको दे देगा ये ऑफ कैमरा के बाद। तो सर, ये जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन है, उनका जो मुद्दा है, उनका जो प्रॉब्लम है, इशू जो है, वो इंडिविजुअली पेमा खांडू से है, नॉट द पार्टी, BJP पार्टी से नहीं है, और वो पेमा खांडू से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप जो अभी हाइड्रो पावर में जो घोटाला हुआ है उसका बात कर रहे हैं, ये आप क्योंकि ग्रास रूट लेवल में भी करप्शन होता है, जैसे कि आप अगर सोल्डोडुम का इशू को ले लें, तो उनका जो इशू था वो वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे प्रॉब्लम था, उनको उनका करप्शन को वो कर रहा था, बल्कि वो पेमा खांडू को टारगेट नहीं कर रहा था। तो आपका जो हाइड्रो पावर से जो लिंक है वो आप पेमा खांडू को उससे लिंक करवा रहा है ना? आप जो सिर्फ जो प्रोजेक्ट का जो 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 हेड कर रहा है वो प्रोजेक्ट को, उनको उनसे आपका प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ये जो भाई देखिए, हम क्लियरली आपको बताना चाहूँगा, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं से पेमा खांडू का ऊपर में ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लो किसी का चीफ मिनिस्टर में MOU साइन नहीं किया गया है, बल्कि उसका जो पिताजी था दर्जी कंदू ने ही पूरा सारा MOU साइन किया है। तो हम कहने का मतलब, आप जो है आपका समय में MOU तो साइन नहीं किया है, कि आप उसको क्यों नहीं दिखा पा रहा? तो दैट मीन्स पिताजी ने साइन किया, कहीं ना कहीं से ये अपरोन मनी पैसा तो पेमा खांडू का ही पॉकेट में होता होगा, इसलिए तो नहीं दिखा पा रहा होगा। अगर उसका पास वो पैसा जो नहीं होता, वो तो दिखाने में तो क्या खराब है उसको? ये कहीं ना कहीं से पेमा खांडू ही स्टेट को बर्बाद कर रहा है। सच आपको क्लियरली बात बताना चाहूँगा कि देखिए, मान लो जो AAC जो लेकर इतना सारा करप्शन को लेकर गया है, तो इसमें पेमा खांडू का जो निजी कंपनी को भी लेकर उन लोगों ने जिक्र किया है कि इसमें मेरा हाइड्रो पावर में भी हुई है, हम अच्छा से उसको जानबीन किया है, ये पेमा खांडू नहीं रहेगा तो हाइड्रो पावर जो इश्यू है बहुत अच्छा से होगा, हमको भी वो पता है। इसलिए हम चाहता है कि वो अगर उसके लिए काम करना ही नहीं चाहता है तो इस्तीफा देने से भी बेहतर है। तो सर, ये सवाल हम भी जानना चाहेगा और पब्लिक भी जानना चाहिए, क्योंकि आपने बोला है कि पेमा खांडू, तो आप इंडिविजुअली आप उनको ले रहे हैं, पेमा खांडू और जो उनके पिता है जो दर्जी खांडू। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको BJP पार्टी से कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इसमें देखिए, BJP पार्टी बोलो, पेमा खांडू बोलो, लेकिन BJP तो BJP है ना। BJP को कौन चला रहा है? पेमा खांडू तो चला रहा है। तो सारा जितना पार्टी लीडर्स लोग आज का डेट में चमचागिरी करने में तोला हुआ है। 99% आप लोग सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि सब आदमी जो है करप्शन का खिलाफ बात करता रहता है। देखिए, इसलिए हम चाहता है कि BJP सरकार अरुणाचल में बहुत खराब राजनीति चला रहा है। जैसे कि बल्कि सिर्फ वो पेमा खांडू का जो 12 पाम को बढ़ाने के लिए ये लोग काम कर रहा है। बहुत बड़ा कंपनी है उनका, जो अन्या लोग बताया था, आप लोग पता है ही है। तो हम भी क्लियरली एज ए प्रो देम प्रेसिडेंट क्लियरली कहना चाहूँगा, ये हाइड्रो पावर पैसा भी कहीं ना कहीं से जाकर उसका पिताजी ने उसका पॉकेट में ही रखा होगा, नहीं तो अगर नहीं रखा है तो वो पहले ही उसको क्लियर कर देता है। यही मेरा कहना है प्रो देम का। सर, आपसे एक ओपिनियन लेना चाहता है, ये ओपिनियन मेरा नहीं है, बल्कि ऐसा सेक्शंस है जो पब्लिक में निकल रहा है अभी, जिनका ये मानना है कि जो टोको शीतल है जो अभी चेयर कर रहा है, उन्होंने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो इशू है उसको पॉलिटिकली हाईजेक किया है। वो बेसिकली अपना पब्लिसिटी स्टंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक का नज़र में अटेंशन पाने के लिए, तो ऐसा सेक्शंस में बहुत क्वेश्चंस निकल रहा है आदमी लोगों का। तो और रिसेंटली उनका इंटरव्यू भी हमने देखा है, उनसे अगर जब सवाल किया जाता है कि क्या आप
इलेक्शन में या फिर पॉलिटिकली आप घुसना चाहेंगे, इलेक्शन चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो वो उसमें हमेशा कहती है कि नो कमेंट ऑन दैट। नहीं नहीं यही तो भाई आपको लगता है क्या वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहा है ना, सच्ची में उसका दिल में वो करप्शन को हटाना चाहता है? नहीं नहीं ये तो आपको मैं क्लियरली बताता हूँ, मेरा आम जनता को भी और जितना जो मीडिया प्रतिनिधि को भी आप लोग को लेके लॉजिक को क्लियरली आपको समझना पड़ेगा कि इसमें तो कोशितल ने कोई गलत काम नहीं किया है। जैसे कि मान लो तर तहर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, मैंने तो काफ़ी बार उसका 20 धरना में तो कम से कम सप्ताह में 2-3 बार तो आते रहता था। तो यही तो प्रॉब्लम है, तो कोशितल ने तो क्या गुनाह कर दिया कि इसमें लोग 3 दिन पैदल जा रहा था ऑलरेडी उसमें जाने का, हम भी गोपुर में जो इसमें हम भी ये ठंडा ठंडा पानी पहुँचाने गया था, इसमें तो मैंने शीतल दीदी को दिखाई नहीं दिया। तो 3 दिन के बाद तो शीतल दीदी ने बेचारा अरुणाचल के लिए सोच के, भाई लोग के लिए सोच के, वो जो उन लोग के सपोर्ट करने गया, इसमें आपको कोई हाईजेक दिखाई तो हमको बिल्कुल नहीं देता है। ये अरुणाचल को भी समझना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल स्टैंड का जब बात करता है, जब मीडिया लोग भी सवाल करता है, तो इसको वीडियो को मैंने भी देखा, इसमें क्लियर कट हमको दिखाई देता है। इसमें कोई पब्लिक अगर उसको गलत समझता है तो गलत बात है, कि उसको दूसरा वे में नहीं ले जाना है कि देखिए पॉलिटिकल जब वो करने मन होगा तो करेगा। अभी तो स्टिल डेथ जो AAC को लेकर तो पब्लिक के लिए तो हला कर रहा है कि नहीं, उसको हम लोग को मायने रखना पड़ेगा कि वो अभी जो प्रेजेंट में वो जो क्या बात कर रहा है। तो हम लोग पब्लिक लोग भी समझता है कि ये पॉलिटिकल होने से हम सपोर्ट नहीं, अरे यार पॉलिटिकल हो भी अगर नॉन पॉलिटिकल भी हो, जो मुद्दा उतार रहा है पब्लिक के लिए ही सही हो, तब जाके लोग सपोर्ट करना है। हम तो क्लियरली अभी प्रेस क्लब में भी हम कहा है, अगर पॉलिटिकल मुद्दा होने से भी जब पब्लिक के लिए बेनिफिट होता है तो हम एज ए ताऊ पर उतरेगा, क्यों नहीं उतरेगा। इसलिए हमारा पब्लिक को भी ये अनप शनप बात नहीं करके, जो कल को हो पॉलिटिकल करो या ना करो, लेकिन आज स्टिल डेथ वो तो सही काम कर रहे हैं ना, उसको हम लोग सपोर्ट करने का जगह में उल्टा पुल्टा ये बहुत औरत लोग भी क्या क्या, एक दो औरत जो मैंने मीडिया में देखा है, ये लोग अरुणाचल के कभी काफ़ी एक मिनट के लिए भी सोचता है अगर ऐसा नहीं बोलता है, अगर मैं ऐसे समझता हूँ। यही मेरा तो सर आपका जो मूवमेंट में जो सपोर्ट है उसके बारे में फिर आते हैं हम लोग, आप लोग कब और कितने लोग निकल रहे हैं यहाँ से? मैं यहाँ से जितना हो सकता है अभी फिलहाल तो 10-12 लोग को हम लोग टिकट बना दिया गया है, तो हम लोग 2 तारीख को निकलेंगे। 2 तारीख हम लोग गुवाहाटी से रवाना होगा और यहाँ से 1 तारीख हम लोग ट्रेन से गुवाहाटी तक निकलेंगे और यहाँ से हम लोग दिल्ली की ओर 2 तारीख से मेरा एग्जीक्यूटिव को लेकर हम जाएंगे। यही मेरा आप लोग मीडिया का थ्रू से आप लोग को बताना चाहूँगा। ये जो है देखिए उन लोग ने कुछ कुछ चीज़ में मैंने क्लियरली आगे प्रेस क्लब में भी कहा है कि इसमें पेमा कंदू रिजर्नेशन का क्लियर को वो बातें को तो हम लेके नहीं जाएंगे, करप्शन है वो तो इस्तीफा से कुर्सी से जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए क्योंकि वॉलंटियरली हो जाना चाहिए मेरा हिसाब से। अगर हो जो उन लोग का एलिगेशन है, कल को हम जो हाइड्रो पावर का इशू में तो अगर करप्शन नहीं है ना, तो मेरा पास सबूत है उसको, अगर करप्शन नहीं होता है तो उसको ED लगा के खुद भी अगर स्टेबल सरकार को और चला सकता है, इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो इसलिए ACC को लेकर हम उतना ही कहेंगे कि ED और CBI जो मांग है उसको जल्दी रिकमेंडेशन करें, यही मेरा उधर में भी जाके यही एक ही बातें सिर्फ। और आप करप्शन नहीं है तो क्यों ED डालने में आपको इतना प्रॉब्लम है, यही हम बातें एक ही वर्ड से हम बात करेंगे। ठीक है, ओके।